हेलो दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सीजीएल के लिए यूटेरिया का वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 12 सेट है, जिसमें से कल पहला सेट डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? किसका सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। ये कहाँ से निकलती है, ये कौन से राज्य में है पटकाई बूम पहाड़ियाँ? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस फ्रांस में। और पूछा जाएगा कि 32वां कहाँ गया था, तो ये आपका जापान टोक्यो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेकचंद। 20 में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ये आपका द्वितीय स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथियोपिया। और लगती कौन कौन है ये लिख नोट कर लीजिएगा, जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र, ये सब देश है जो लाल सागर के साथ सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है, इसका कौन सा ईयर हो जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2020 से 2025 तक। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैंक। आल्प्स मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर स्थित किवु लामा जोवा राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगाई। संगाई हिरण मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। ये आपको 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, और उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है, और तीसरे स्थान पर जो है वो तेलुगु भाषा बोली जाती है। पहला आपका हो जाएगा हिंदी, दूसरे स्थान पर बांग्ला, तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी, बैलाडीला। बैलाडीला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन के लिए प्रसिद्ध है।
वहीं कोलार सोना के लिए, कोलार सोना के लिए कोयला झरिया, और पन्ना हीरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? किसके दृष्टि से? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। अमेजन नदी की लंबाई कितना है? इसका अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर। मडीरा अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है। अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मडीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवाने अर्जी इल्तुतमिश से संबंधित है। दीवाने अर्जी इल्तुतमिश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोजी अकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीका बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनका संबंध नाइजेरिया देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। जी नहीं, इसका ये द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका कौन लिखे थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन लिखे थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यह कब किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था। उस टाइम सलीमुल्ला खां मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष भी वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? तो किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कितना से कितना बीच रहा था? 1869 से 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। और इसकी रचना कौन की, किनके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। और इस गीत को गाने में 65 सेकेंड यानी कि 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है, नोट कर लीजिएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, किसने कहा था? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो किसके समय में बना था? लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब बना ये, इनका शासनकाल कब कितना से कितना था? 1916 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी कहाँ थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोतन, पोतन इसका राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। उगता हुआ सूरज हमें वास्तविक सूर्य उदय से पहले और वास्तविक सूर्यास्त के बाद प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजक संयोजी उत्तक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, जो उत्तक वह उत्तक जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देता है और उसे संरचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहां बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष इसको हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, इसका किस ऐसा होता क्यों है, तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है इसके कारण होता है, दूसरा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है इसके कारण भी होता है, और लेंस की क्षमता घट जाती है इसके कारण भी होता है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसका रेटिना के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, एसी से डीसी में परिवर्तित के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, और डीसी को इसमें इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, कौन सा, भाप अंगार गैस किन दोनों का मिश्रण होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO एंड H2 के मिश्रण से होता है। भाप अंगार गैस CO एवं H2 का मिश्रण होता है जिसे रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है, जिसमें CO का कितना 45% होता है और H2 50% होता है एवं 5% अन्य अशुद्धियां होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अथवा क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम जाता है अतः जल का क्वथनांक भी घटेगा और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है, इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, मानव शरीर में भीतर रक्त किस बॉडी में कौन सा ऐसा चीज होता है जिसके कारण ब्लड नहीं जमता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लॉन्गाटा का कार्य नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मेडुला ओब्लॉन्गाटा का यह कार्य नहीं होता है। मेडुला ओब्लॉन्गाटा जिसे इसे मेडुला भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा और ब्रेन स्टीम को सबसे निचला हिस्सा, इसको मेडुला कहते हैं। मेडुला ओब्लॉन्गाटा रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों को प्रसारित करने और दिल की धड़कन और श्वसन जैसी स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारा मेडुला ओब्लॉन्गाटा, इसको मेडुला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन का क्रिया होता है,
तो किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनी में होता, अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है, किसका कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। और भी लिख लीजिएगा, जैसे टिन, कैसे कैसीटेराइट, टिन किसका हो जाएगा? कैसीटेराइट का हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट या कोरंडम, सीसा गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा होता है। किसका द्वारा होता है? अफबाऊ सिद्धांत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे रुकी उदर का मूलभूत कार्य है, कैसे रुकी उदर का मूलभूत कार्य है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? रेडियोधर्मिता का खोज कौन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। शुष्क काक्षिपिक जीरोक्थैल्मिया, इसको जीरोक्थैल्मिया भी कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण के कारण वो ठंडा रहता है या ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता में विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल भित्तिया के कारण। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूकन आयोग, ये राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपक्रमों पर स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत करता है, वो विश्व का 60% अकेले भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 29 जून को मनाया, ऑप्शन नंबर सी। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन को बादामी क्रांति से सुमेलित नहीं है। तो बादामी क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा मसाला क्रांति से। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबंधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और कुछ बताना हो तो कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं, हम आपके लिए और क्या ला सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है?
तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 6 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर के शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91 संविधान संशोधन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 262। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के तहत नहीं किया जाता है। तो किस अनुच्छेद से किया जाता है, ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, क्या बोला समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, क्योंकि परमानेंट बॉडी होता है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान में किया जाएगा। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया जाएगा, और 2024 में 50वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, इटली में आयोजित होगा। 2024 में ये आपका कहाँ होगा, इटली में होगा। और पूछेगा आपसे 48वां मतलब किससे पहले वाला, ये कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था आपका, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.4% अनुमानित है, ये आपका 2022-23 केंद्रीय बजट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2047 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने को। मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांच देशों के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुणे में स्थित है। भारत और फिल्म टेलीविजन की संस्था कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये तीसरा स्थान पे आता है। लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवासी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में निवासी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किसका कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैव सुरक्षा समझौते से, किससे है, तो जैव सुरक्षा समझौते से।
तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, आज हम वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और इससे पहले वाला का वीडियो का लिंक, पहला सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।